पैदावार में इजाफा, मंडियों तक रसाई, इंतजाम और टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाना होगी। साल 2017-18 में दी जाने वाली बरामद को जारी रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से हाजिर खिदमत हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्की बका के लिए और आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, जो हुकूमत की स्ट्रेटजी और प्लानिंग है कि वो मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कोशिश की है। और ये कहा जा रहा है कि बड़ा एक मतवाजन बजट पेश किया गया जो अवामी फलाह व बहबूद के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फ्यूचर के हवाले से जो यूथ है उसके लिए ये एक बड़ा अच्छा बजट पेश किया गया। लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को नवाजा गया है और एक डेफिनेटली मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुल्क के अंदर। एक तो हम देखते हैं कि जो गुरबत की लकीर से नीचे एक बहुत बड़ी तादाद है, आबादी है, उसको उतना इस्तफादा नहीं हुआ इससे। लेकिन जो मिडिल क्लास है जिनकी माहाना सैलरी 1 लाख है या उनकी इनकम 1 लाख है, उन वो टैक्स फ्री होंगे, यानी वो टैक्स नहीं अदा करेंगे। दूसरी जानिब हमारे मुल्क की जो सियासत है वो एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है। परवेज़ रशीद साहब जो हैं, अब उनकी बारी का भी खतरा लग रहा है कि उनकी बारी आएगी या नहीं आएगी। अब अदालतों की सवाबदीद पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन इमरान खान साहब की सुनामी फिर एक मरतबा आ रही है। क्या ये 2013, 2014, 2015, 2016 वाली सुनामी होगी, 17 वाली सुनामी होगी, या एक नई सुनामी का इन्होंने इंदिया दिया है? वो कौन सी अब विकेट गिरेगी? जो 29 को विकेट भी गिरनी है, अब ये भी पूछेंगे कि ये विकेट उसी तरह की विकेट होगी जो लाहौर से वापसी इस्लामाबाद पे जाके कहा गया था कि यहाँ विकेट गिरनी है, या वो ख्वाजा आसिफ वाली विकेट थी जिसके बारे में नून लीग ये कह रही है कि किसने इमरान खान को बताया कि ये विकेट गिरने वाली है। और दूसरी जानेब आज मियां साहब ने भी अपनी मीडिया से बात करते हुए ये बात कह दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को सेनेट में वोट दी। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया और उन्होंने एक बात और भी बड़ी इसमें अहम की। उन्होंने ये कहा कि ये मामलात और ये सिलसिले अब बंद होने चाहिए। किन सिलसिलों की बात की जा रही है जो बंद होने चाहिए? 29 अप्रैल का जो सुनामी है, लेट्स सी, उसे भी देख लेंगे। और एक मरतबा मिफ्ता साहब ने फरमाया कि हम दुनिया की 24वीं मईशत बनने जा रहे हैं और हम दुनिया की इस वक्त 24वीं मईशत हैं। इस पर भी ज़रा हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया की 24वीं मईशत हैं। दूसरी जानेब अगर हम देखें तो इसके जो कुछ मुस्बत इकदाम हैं मौजूदा हुकूमत के, उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि बजट के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको भी हाईलाइट करना वक्त की अहम ज़रूरत है। फिल्म पॉलिसी जो अनाउंस की गई है ख़ास तौर पर, जिसमें फिल्म मेकर्स के लिए मुस्तहक आर्टिस्ट जो इस टाइम बीमार हैं, लाचार हैं और ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए एक फ़ंड मुख्तस किया गया है। उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सियासी बसीरत, यानी नाम नहीं ख़त्म किया गया, इस हुकूमत ने उसका नाम भी ख़त्म नहीं किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पीएम यूथ प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फिर हम जब बात करते हैं इस खित्ते में, जनूबी एशिया में, पाकिस्तान का ज़रई तौर पर जो हमारा मुल्क है और हम ज़रई हमारी जो बेस्ड करती है इकॉनमी वो ज़रात पर करती है। दीगर ममालिक की अगर दीगर मामला दीगर जो उनकी रिसोर्सेज हैं अगर उस पर करती है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि सियाहत पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा करते हैं ज़रात पर। ज़रात में जो उसके इक्विपमेंट्स है, जो ज़रई इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ज़रई मशीनरी होती है, उसमें 7% से कम करके 5% कर दी गई है। खादों पर जनरल सेट टैक्स को 2% पर लाया जा रहा है। माहाना 1 लाख आमदन का मैंने आपको जिक्र भी किया। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो फाटा के लिए और जहाँ पर ऑपरेशन हुए थे उन ऑपरेशन के हवाले से जो फंड मुख्तस किया गया है, एहसास महरूमी, डिस्क्रिमिनेशन, नाइंसाफी का जो फैक्टर है, उसके अजाले के लिए ये कितना सूदमंद और कारामद साबित होगा, इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। तायरा औरंगजेब साहिबा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। बहुत शुक्रिया मैडम आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेटर सितारा अयाज साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। तायरा औरंगजेब साहबा, गो के हम बजट पर भी बात करेंगे और इस बजट के जो आदाद शुमार हैं और जिसके बारे में अपोजिशन के लिए के अल्फाज का हेर फेर और गोरख धंधा है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। ये कल क्या हुआ है? आप इतनी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, क्या पार्टी के अंदर आप नहीं समझती कि एक जो इखलाकियात होती हैं और किरदार साजी का एक अमल शुरू होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान? गो के मुराद सईद तो हमें बहुत जारियाना अंदाज में दिखाई दे रहे थे, लेकिन आबिद शेर अली ने भी उनको काउंटर किया। असेंबली के अंदर ये सब कुछ होता हुआ इंटरनेशनल दुनिया में हम क्या पैगाम दे रहे हैं? आप समझती हैं कि ये बेहतर तर्ज अमल था कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा सही सवाल किया, लेकिन मैंने 2 साल पहले कॉमनवेल्थ का भी एक इजलास देखा। मैंने उससे पहले कभी भी
उनका पार्लियामेंट का सेशन ड्यूरिंग सेशन मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ असेंबली जाने का, तो मैं उन दिनों में वहाँ मौजूद थी तो मैं गई। और आप ये सुन के बड़े हैरान होंगे कि जहाँ बहुत पुरानी जमहूरियत है और जहाँ पे बड़े पढ़े लिखे सिविलाइज लोग मेंबर हैं असेंबली के, पार्लियामेंट में वो एक दूसरे की टाई खींच रहे थे जी। ये मैंने अपनी आँखों से देखा तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि ये यूके में जहाँ पे ये पार्लियामेंट है हमारे पे बड़ा इम्प्रेशन है कि ये लोग बड़े जीनियस हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हालात वहाँ हमसे भी बदतर थे। यहाँ एक दूसरे की टाई खींचने की नौबत कभी नहीं आई, लेकिन जो कल बचा हो गया नहीं तो इससे ज़्यादा हो सकता जी, लेकिन जो कल हुआ वो अच्छा वाकया नहीं था। बात यह है कि पार्लियामेंट दुनिया की किसी भी मुल्क की हो, पार्लियामेंट का एक तकद्दस होता है, एक एहतराम होता है। और आप यकीन जाने पिछले 5 साल में मैं अपोजिशन में थी, लेकिन हमारा गवर्नमेंट के साथ बहुत ही दोस्ताना माहौल में हम बातचीत करते थे और एक ताल्लुक़ था। और ये बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में वक्त आता है एक छत के नीचे बैठ के मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ राय रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस के साथ आपको इंटरेक्शन का मौका मिले। और ये ज़िंदगी में बड़े कम मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें आप अपने मुतबादल जो आपने मुतजाद और अपने ऑपोजिशन की राय सुनते हैं, गवर्नमेंट की राय सुनते हैं और फिर बर्दाश्त करते हैं। सियासत में सबसे अव्वल लफ्ज़ जो मैं समझती हूँ एक कामयाब सियासतदान के लिए, वो लफ्ज़ है बर्दाश्त, टॉलरेंस। जब तक हम में टॉलरेंस नहीं होगी, हम दूसरे की बात सुनने की हिम्मत नहीं रखते, तो हम अपनी बात कैसे करेंगे। तो ताहिरा साहिबा, इसका क्या रेफरेंस देना, ये कंपैरिजन करना ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, आप समझती हैं बेहतर होगा और हम इसे नज़रअंदाज कर? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो नए आने वाले पार्लियामेंटेरियंस जो लोगों का वोट लेके पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तो वो अंदर आके इस किस्म की हरकतें करते हैं तो ये लाइव प्रोग्राम जाता है। ये भी ऑपोजिशन ने कहा था कि जी असेंबली का सेशन जो है इसको लाइव आवाम को दिखाना चाहिए, तो जब ये लाइव जाता है ऑन एयर तो वो लोग उस पार्लियामेंटेरियन से पहले क्यों मोबाइल फोन नहीं ले लिए गए थे कि पार्लियामेंटेरियन अंदर ही बैठकर जो है ये सारी वीडियो बना रहे थे? हमें पता है कि वहाँ पे वीडियो किसी तरह भी लीक नहीं हुई, ये पार्लियामेंटेरियंस ने ये वीडियो बनाई है। नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन एक पार्टी जो सियासी जमात है पीटीआई, उसका कायद जब असम्बली में नहीं आएगा तो फिर जो उसके चेले चांटे हैं वो इसी तरह का किरदार अदा करते हैं। उन्हें संभालने वाला, समझाने वाला, पकड़ने वाला बड़ा मुश्किल से होता है। अभी भी रशीद, इसीलिए आप लोगों ने आबिद शेर अली को आगे छोड़ दिया? नहीं, वो आबिद शेर अली भी जज्बाती आदमी है, सियासी आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन जब एक आदमी को या कि आपको माँ बहन की नंगी गालियाँ दे। अच्छा, तो तारा साहब, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आवाम भी देख रही है, सब ये देख रहे हैं। आप, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी हकीकत नहीं छुपाएंगी, रियलिटी क्या थी, हकीकत में हुआ क्या था, मुख्तसरन बताइएगा। सबसे पहले मुराद सईद साहब ने आके करीब तर आके वहाँ माँ बहन की नंगी गालियाँ दी, ये मेरे कानों ने सुनी, ये अच्छा, हकीकत है ये मुराद सईद जी। और उसके बाद रशीद गुडेल साहब, बहुत से लोग जो थे वहाँ अपोजिशन के बेंचों पे, वो उसको पकड़ रहे थे और वो ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, उनके हाथों से छुट छुट के आ रहा था कि जैसे पता नहीं वो इंडिया के महाज पे वागा पे जा रहा है हिंदुओं पे हमला करने। मुझे उसकी कोई किरदार की समझ नहीं आई। गुज़िश्ता 5 साल में उसका यही किरदार था, शायद उसको रखा इसीलिए गया था असेंबली में कि तुमने सिर्फ ये काम करना है। और वो जब भी होता था कोई इजलास में किसी छोटी सी बात भी किसी नुक्ते पे, तो वो उछल उछल के आता था या तो, लेकिन उसको पकड़ा भी तो अली मोहम्मद खान नहीं, खुद पीटीआई वाले उसने पकड़ा, बहुत से लोगों ने पकड़ा, लेकिन अली साहब ने तो ऐसे दबोच लिया था उसको। मैंने कहा आप तो बच के नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक इंसान की बेसिक तरबियत होती है, वो चाहे किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करे, कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी उस शख्स की तरबियत नहीं कर सकती। तालीम जरूर दे सकती है, तरबियत आपको अपने घर के माहौल से, अपने घर से, और उसके बाद पार्टी के अंदर, और उसके बाद वो आदमी ग्रो करता है और वो एक सियासी जमात का रुकन बनता है, फिर एमएनए बनता है। चाहता हूँ अंधेरी बबास साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ जानना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अंधेरी साहब आपका। जी शुक्रिया जी। अंदलीप साहिबा फरमाइएगा, तायरा औरंगजेब साहिबा ने कंडेम कर दिया कि ये जो भी वाकया हुआ था, जिस तरह भी हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, और इखलाकियात और पार्टी के अंदर किरदार साजी जो है वो वक्त की अहम जरूरत है। आप समझती हैं कि मुराद सईद और आबिद शेर अली के दरमियान जो कुछ हुआ कल, ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो आबिद शेर अली है ना, वो तो चैंपियन है, उनकी जो जुबान है पिछले 30 साल से जी, आप लोगों ने दिखा दिखा के सबको दिखाया है कि वो किस किस्म के मगालजात बोलते हैं जी। उससे पहले भी दिखाया था हमने मुराद सईद साहब का, जो लतीफ साहब के साथ हुआ था
चौधरी साहब के साथ जी, और लतीफ साहब ने जो गंदी जुबान इस्तेमाल की थी उनकी बहन के बारे में जी, तो वो भी आपने दिखाई थी जी। तो जब आप किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के बारे में ऐसी गंदी बातें करें और आप माशाल्लाह उम्रें आपकी गुजर गई हुई हैं यहाँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा क्या करेगा जी, कि कैसे रिएक्ट, अगर आपको कोई कहा जाए या मुझे कहा जाए मेरी माँ के बारे में या मेरी बहन के बारे में, तो क्या होगा? ये ऐसा ही हुआ था आप जिस तरह फरमा रही हैं असेंबली में, क्या यही हुआ था कि आबिद शिरली ने गाली गलौज शुरू किया था, या इसने मुराद सईद अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, किसी ने आके उसको गालियां देना शुरू कर दी थी, क्या हुआ था? जी आपने भी दिखाया था और सबने दिखाया कि आबिद शिरली वहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां वो बैठे हुए, उन्होंने जो जिस किस्म की गुफ्तगू की, और वहां हमारे सारे लोग भी थे, शीरीन मजारी भी थी, और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद ये सारा वाकया शुरू। मिफ्ता इस्माइल के सामने खड़े होकर वो जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे थे, ये पार्लियामेंटेरियन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, ये भी ये कह रहे हैं कि आगाज मुराद सईद साहब की जानिब से हुआ जिन्होंने गलत गालियां दी और गलत गैर पार्लियामानी जुमलों का इंतखाब किया। देखिए एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब का बहुत ही अफसोसनाक, मतलब कैसे ये वोट को जिल्लत दो वाला मकाम है कि राणा अफजल को भी नहीं दिया जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे फाइनेंस के, इनको रातों रात बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर, और ये कतई तौर पे इखलाकी तौर पे किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है कि आदमी जो मुंतखब नहीं हुआ ना मिनिस्टर ना सेनेटर वहाँ खड़े होके बजट पढ़ रहा है, और बजट की वो इस तरह से जिसको कहते हैं ना फर्र करके पढ़ रहा है जिसके अंदर ना कुछ समझ आ रही है ना कुछ आ रही है। और ये भी आपको पता है कि उससे एक दिन पहले तीन वुजरा जो थे उन्होंने वॉकआउट किया सीसीआई में, उन्होंने कहा कि जी ये बजट पे पीएसटीपी में एक भी स्कीम किसी प्रोविंस की नहीं रखी सिवाय पंजाब के, तो ये एक मजाक है, इस पे प्रोटेस्ट हो रही थी, और आपको पता है कि सारी दुनिया में प्रोटेस्ट ऐसे ही होती है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर आप जुबान ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि उसका रिएक्शन भी होगा। अच्छा, यानी आप इसे कंडेम नहीं कर रही हैं, आप कहते हैं कि एज यू सो सो शैल यू रीप, ये कहना चाह रही हैं आप? ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, तो आपने अभी तक वाज़ह जवाब नहीं दिया ना दिलीप साहिबा। मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ कि आबिद शेर अली साहब को बिल्कुल ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी जिससे माहौल खराब होता, और उनको जो जो रिएक्शन फिर आया, बेसिकली ये आबिद शेर अली की आज की नहीं, आप रोज दिखाते हैं मीडिया पे, मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है। मेरा भी मैडम यही आपसे एक आजाना और मासूमाना सवाल है, क्या मुराद सईद ने ये पहली मर्तबा की है? मुझे बताएं और कब की है? इससे पहले जो शाहिद लतीफ साहब के साथ हुआ था वो क्या था? शाहिद लतीफ जी जी, वो मेंबर नेशनल असेंबली जो है मुस्लिम लीग नून के, चौधरी जावेद लतीफ। तो जावेद लतीफ का तो आपने दिखाया कि उनकी बहन के बारे में उन्होंने बाहर जो कहा था, आपने दिखाया था? मैंने नहीं, तो मैं चाहता हूँ सितारा अयाज साहिबा जो है ये भी डेफिनेटली इन्होंने भी बहुत कुछ देखा है, ये जो जिस तरह कह रही हैं कि मुराद सईद जो है उनके साथ पहले भी गलत हुआ और आज भी जावेद लतीफ साहब ने भी गलत गालियां दी थी, आप क्या समझती हैं क्या हुआ ये, किस तरह हुआ ये? मुझे अफसोस है बहुत ज़्यादा कि हम एक दूसरे, अगर कोई गलत करता है तो हमें कहना चाहिए, हमें इतनी जरूरत होनी चाहिए कि हम कहें कि ये बात गलत है। मैं इस वक्त हमने भी देखा वहाँ पे हम बैठे थे, हमारे सेनेट का सेशन अभी शुरू नहीं हुआ था, और मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। मैं किसी का भी नहीं कह रही हूँ कि किसने, दोनों तरफ की गलती थी। ये जो असेंबली है ये कोई मजाक नहीं है कि अगर मैं कहूँ इनको हक है कि ये अपनी पार्टी को दोनों साइड वो करे कि ये एक ठीक था दूसरा गलत था, मैं तो दोनों को गलत कहूँगी कि दोनों ने गालियाँ दी, अगर एक ने दी तो दूसरे में तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से था, खैबर पख्तूनख्वा में तरबियतें ऐसी नहीं होती हैं, ना कभी हमने सियासी तौर पर किसी को इस तरह देखा है, ना हमने बाकी जो है आई डोंट वांट कि किसी के पर्सनल पे मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन सियासी तरबियत होनी चाहिए कि हाउ टू बिहेव, अगर एक गलत है तो दूसरे को गलती नहीं करनी चाहिए। बर्दाश्त का वादा क्यों खत्म हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम? आबिद शेर अली भी बदतमीजी करता है और बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, और मुराद सईद उससे भी दो हाथ आगे फिर और ज्यादा बदतमीजी करता है। ये पार्टी लीडरशिप को बताना चाहिए, ये पार्टी लीडरशिप की कमजोरियां होती हैं कि आप एक बंदे को शेख क्यों दे रहे होते हैं, आज वो उधर है, ये तो सियासत है ना,
आज वो एक को गाली दे रहे हैं, कल को वो दूसरे को भी इसी तरह गाली देंगे। तो दोनों साइड से जो गली जबानें यूज़ की गई, मुझे तो उर्दू की वो पंजाबी की इतनी समझ नहीं आ रही थी, सच्ची बात यह है। लेकिन जो पश्तों में गालियाँ दी गई वो तो हमारे सर जो है ना, वो एज अ वमेन जब हम उधर मैं बल्कि इनकी पीटीआई की भी एक खातून मेरे साथ थी, हम वहाँ से निकल गए बिकॉज दैट वॉज सच एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर खवातीन जो उधर बैठी हुई थी कि इनका सारा कुछ आके वो खवातीन पे कैसे मिलता है। बजट का इतना रिएक्शन होना चाहिए था क्या? बजट अगर मतवाजन नहीं है, देखें हर एक चीज का, अगर देखें ये हमेशा होता आ रहा है, ये अभी की बात नहीं है। जब भी कोई भी हुकूमत बजट पेश करती है ना, तो वो दूसरा जो अपोजिशन होता है वो आके एहतजाज भी करते हैं या उस पर बात भी करते हैं। अभी केपी में भी बजट पास होगा ना, उसमें भी, लेकिन एक तरीका होता है, एहतजाज का भी तरीका होता है। गालम गलोच किसी की जातियात तक पहुंचना ये तरीका नहीं है, ये सियासत का तरीका नहीं है। सियासत को तो बहुत एक एहतराम, एक बहुत आपने दिल बड़ा करके करना होगा और मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी पार्टी लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो गलती करे कहे कि हाँ, अगर एक की गलती, वो कहते हैं कि जी वो फलाने की गलती है, ये तो हमेशा ये करता रहा है, तो दूसरा मतलब जो जवाब बेहतर नहीं है कि अगर किसी ने गैर पार्लियामानी जुमलों का इस्तेमाल किया तो जवाब में मैं डबल करूं, मैं उसके डबल करूं, ये गलत है। दोनों साइड्स हमने कल देखे हैं, दोनों गलत थे, दोनों ने बे इंतहा वो कहते हैं ना कौन सी गलीज, जो आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, लेकिन मैं चाहता हूँ दिलीप साहिबा आप ये बताइएगा, क्योंकि हमने ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, आप ये बताइएगा क्या आप समझती हैं कि इस वक्त ये वक्त आ गया है कि अगर हमने पूरी दुनिया के सामने हमारी सुक्की होती है, पूरी दुनिया के सामने हमारी रुसवाई होती है हमारी पार्लियामेंट की, तो इससे बेहतर ये है कि हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं या मशरान हैं या जो बड़े हैं वो कोशिश ही करें कि पार्टी के अंदर किरदार साजी के अमल को तेजी से शुरू करें और ताखीर ना हो उसमें। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ये पार्टियां माशाल्लाह 40 साल से हैं और 40 साल से जो टीवी पे दिखा रहे हैं इन सबको, ये वही शक्लें जिन्होंने उठ उठ के दावे किए हुए और कहा हुआ है और ये, और 40 साल से ना इनकी पार्टियों ने, ना स्पीकर ने, ना किसी ने इस पे किया है, तो मेरा ख्याल है कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। मतलब आप, मैं दलीप साहबा, मैं बिला इम्तियाज ये बात करूं, किसी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा, आप ये समझती हैं कि तमाम पार्टियों को बशमूल पीटीआई को जो है वो किरदार साजी के अमल से गुजरना होगा? देखिए मैं बड़ी खुश हूं कि आप ये लफ्ज यूज कर रहे हैं किरदार साजी का, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है और जो आजकल सबके निकल रहे हैं पीछे किरदार के अंदर झूठ और वो क्या कहते हैं सादिक और अमीन और ये सारी छुपाना और टैक्स पेयर के पैसों से याशी करना, तो किरदार साजी तो मेरा ख्याल है कि बहुत पहले इस पे फोकस होना चाहिए और इस पे जो ये जो सारी की सारी 40 साल की, कोई 20 साल का केस निकल रहा है, कोई 25 साल का निकल रहा है, किसी के निकल रहे हैं कि जी हमने 400 करोड़ रुपया इस कंपनी पे लगा दिया और एक बूंद पानी नहीं दिया, किसी का निकल रहा है कि जी हमने 3000 करोड़ रुपए का एक फ्लैट वहां ले लिया, है तो फ्लैट हमारा लेकिन आपको एक हम रिसीव भी नहीं दे सकते, किसी का निकल रहा है कि जी 17 लाख रुपया, हाँ जी हमारा, हम काम करते थे, हम वहाँ यूएई में मुलाजिम थे किसी के सीईओ के, लेकिन हम मिनिस्टर भी हैं साथ, तो ये किरदार साजी तो बहुत ही जरूरत है, इसकी तो सफाई होनी चाहिए, इसके ऊपर तो बहुत फोकस होना फिर तो, चाहिए। फिर तो अंदरूनी साहिबा ये बात मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पॉलिटिकल नहीं रखना चाहता था फिर, क्योंकि आपने जब ये 17 लाख और ये वादो वफा करने की बातें की तो फिर बिलियन ट्रीज की भी बातें आई, फिर डेफिनेटली बिलियन ट्रीज की भी बात आती है, फिर आपके आपके जो मुखालफिन है वहाँ पे बिलियन ट्रीज का सुनामी का मेरे ख्याल से सारी पार्टियों को खुल के एक्सेप्ट करना होगा, वरना ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना कि हर एक तरफ से सियासतदान को ही पकड़ा जा रहा है, चाहे एक तरफ हो दूसरा जहां से भी हो, जब तक पार्टियां मिल के बैठ के इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि उनमें जो खराबियां हैं उन्होंने वो हटानी है, अगर हम इसी तरह एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते रहे जो अभी हो रहा है हर तरफ से, हर कोई कर रहा है, ये चीज़ गलत गलती की तरफ जा रही है और ये बहुत गलत सिम्ट में जा रही है, इसको हमें सही करना होगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद आएंगे और इस पर मजीद भी बात करेंगे किरदार साजी, लेकिन हम अपने मौजू से हट रहे हैं क्योंकि बजट के हवाले से जो आदाद व शुमार थे उस पर हमने बात करनी थी, एक ब्रेक के बाद।